हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एक व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में दो बातों का होना हमेशा ज़रूरी होता है। पहली बात यह है कि वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और दूसरा कि वो बाइबल को भी पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये दो काम हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग इन दोनों काम को अच्छे से करते होंगे। आप वचन भी पढ़ते होंगे और प्रार्थना भी करते होंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने आप को मसीह भी कहते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए उनके पास समय नहीं है, वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। इनमें से कोई भी रीज़न आपके साथ हो सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुबह सुबह की जो प्रार्थना होती है उसके विषय में बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं उनमें से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि ब्रदर, हमें प्रार्थना करने के बारे में बताइए, हम जब सुबह की प्रार्थना कैसे करें उसके बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुबह की प्रार्थना के विषय में बताने वाला हूँ कि एक मसीह व्यक्ति को सुबह सुबह प्रार्थना किस प्रकार से करना है। अगर आपको आता है और आप करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर सीखें और आने वाले दिनों में अपने जीवन में प्रार्थना जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज मैं बात करने वाला हूं सुबह सुबह की प्रार्थना के बारे में। वैसे तो प्रार्थना करने का कोई नियुक्त समय नहीं है कि हमें उसी समय में प्रार्थना करना है या हमें उसी दिन प्रार्थना करना है। नए नियम के अनुसार तो हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है। हर समय हमारे अंदर एक प्रार्थना का भाव होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सुबह प्रार्थना कर लें और शाम को हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, या हम शाम को प्रार्थना कर लें सुबह हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, या दिन में प्रार्थना करें सुबह शाम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। नए नियम में बाइबल हमें बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। हमारे हर समय जब भी हमें हमारे अंदर कुछ भी दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है, कुछ भी जैसा भी हो, हम एक प्रार्थना का स्वभाव में रहना चाहिए। हम खड़े खड़े भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने काम को करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन इससे एक और अलग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो एक ऐसा प्रार्थना है कि हमें निरंतर करना है, लेकिन एक प्रार्थना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में अगर व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, यानी कि अकेले में बैठकर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप आज से ही अपने जीवन में एक समय नियुक्त कीजिए जिस समय आप अकेले बैठकर प्रार्थना कर सकें, क्योंकि अकेले बैठकर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो तू गुप्त में प्रार्थना कर, कोठरी में जा, कुंडी लगा और अकेले में बात कर अपने परमेश्वर से, क्योंकि वो जो गुप्त में है वो तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे प्रतिफल देगा। तो एक व्यक्ति के, मसीह व्यक्ति के जीवन में गुप्त का प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है सुबह की प्रार्थना। तो आप सुबह की प्रार्थना कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि हम क्या बोले। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, जब भी आपकी नींद खुलती है, सबसे पहले तो एक काम करना है, आपको कोई और काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग सुबह उठकर मोबाइल ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को करने लगेंगे, अपने रोज़मर्रा के काम को करने लगेंगे। सबसे पहले आप जब बिस्तर से उठते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। सुबह की प्रार्थना करने का तरीका कि सबसे पहले आप जब उठते हैं, आप अपने कामों को बाद में करिए, पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, उठें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करें। तो आप, मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब सो के उठते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बैठना है और प्रभु की ओर ध्यान लगा कर कहना है, हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें जीवित रखा। जी हाँ, आज का दिन आपको दिखा, इसलिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें कि पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपके साथ कल रात को सोए होंगे लेकिन वो लोग सुबह नहीं देखे, लेकिन आपने सुबह देख लिया है, इसका मतलब प्रभु ने आपको जीवित रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें धन्यवाद देना है। कितने सारे लोग हैं संसार में जो रात को सोते हैं लेकिन सुबह उठने की चाह रखते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, वो मर मिट कर खत्म हो जाते हैं। परंतु जब हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है तो हमें प्रार्थना के लिए सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि परमेश्वर हमें जीवित रखा है। तो हमें किसी रीजन की जरूरत ढूंढने की जरूरत नहीं कि हाँ कौन सी बात लेकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्या बोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सिंपल है,
हमें जीवित रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। सुबह उठकर कहना है, परमेश्वर धन्यवाद हो आपका कि आपने हमें जीवित रखा। उसके बाद आपके परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे कि आपके परिवार में परमेश्वर ने लोगों को सुरक्षित रखा है, एक अच्छी नींद प्रदान किया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। फिर आपको एक और काम करना है कि आप जब अपने धन्यवाद का प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर चुके हों, तब आप अपने दिन भर के जो काम है उसके लिए प्रार्थना करना है। उसी के साथ साथ क्या बोलना है कि परमेश्वर पिता आज दिन भर हमें चलाइए, हमें हर काम में आप हमारे संग रहिए। हम अपने जॉब में जाएंगे, परमेश्वर आपके स्वर्गदूत हमारे संग रहे, हमारी रक्षा करें। प्रभु हमारे परिवार के चारों ओर आपके स्वर्गदूतों का छावनी रहे ताकि हमारे परिवार की रक्षा हो। जो काम भी हम दिन में करते पिता, उन सारे काम में आपकी आशीष हो, और विशेषकर पिता परमेश्वर हमें इस तरह से चलाए ताकि हम बुराई में ना पड़े परंतु भलाई में अपने जीवन को जिए। यानी कि दिन की शुरुआत में तो अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है सुबह सुबह, उसके साथ ही साथ पूरे दिन जो काम आप करने वाले हैं उसके लिए परमेश्वर के हाथों में सबको समय को रखना है और प्रभु से सब बातों को एक एक करके बोलना है कि आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं ऐसा कर रहा हूं, आज मैं ये करूंगा, उसमें आप हमारी सहायता कीजिए। ये तरीका बाइबल का तरीका है, क्योंकि जब यीशु मसीह से उनके चेलों ने पूछा था कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, इसलिए हमने सबसे पहले धन्यवाद दिया परमेश्वर को। उसके बाद यीशु मसीह कहते दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो दिन भर की रोटी के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम जब काम पर जाएंगे उसके बाद हमारे कामकाज में आप हमारी सहायता करें, मदद करें, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर हमें सुरक्षा दे, हमारे परिवार को सुरक्षित रखे। और फिर दोबारा इस चीज़ को भी दोहराना है कि दिन भर में हमें पाप से भी बचाना है, हम कोई पाप में ना गिरे। कई बार हमारा हृदय है ना पाप की ओर खींचता है, हमें हमारा मन पाप की ओर आकर्षित होता है। ऐसे समय में अगर हम सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रभु पूरे दिन हम जब कामकाज में होते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारा मन विचलित ना हो, हमारा मन पाप की ओर ना खींचे, इसके लिए पवित्र आत्मा आप हमारे सहायता करिए। तो जब एक व्यक्ति सुबह उठकर अपने दिन भर की हर जरूरत के लिए प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति बड़े आसानी से एक पवित्र जीवन जी पाता है। इसलिए सुबह की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार आप सुबह की प्रार्थना करते हो उसी प्रकार आपको शाम को भी प्रार्थना करना है। क्या करना है, आप सुबह की प्रार्थना शाम को दोहराना नहीं है, उल्टा हो जाएगा। सुबह हमने धन्यवाद देकर परमेश्वर का प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमें जीवित रखा, शाम को हम धन्यवाद दे कि पूरे दिन हमें परमेश्वर ने चलाया, और उसके बाद हम सोने जा रहे हैं और ये प्रार्थना करें प्रभु फिर से कल की सुबह देखने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो हमारी मदद कीजिएगा और हमारे परिवार को सुरक्षित रखिएगा, एक अच्छी नींद प्रदान कीजिएगा। तो प्रार्थना एक जैसा कभी भी नहीं होता। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो भी प्रार्थना करते हो एक जैसे रिपीट करना है, रिपीट नहीं करना है। जब प्रार्थना करते हैं उस वक्त के अनुसार आपको प्रार्थना करना है। जब सुबह उठते हैं तो सुबह की प्रार्थना अलग होती है, जब दिन में दोपहर में प्रार्थना करते हैं दिन की प्रार्थना अलग होती है, जब रात को आप प्रार्थना करते हैं रात की प्रार्थना अलग होती है, जब आप भोजन करने के लिए प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना अलग होती है, जब आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना अलग होती है, जब आप आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं उसकी प्रार्थना अलग होती है। तो इस प्रकार से प्रार्थना के अलग अलग तरीके हैं जिसे हर मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने जो बताया वो है सुबह की प्रार्थना। आने वाले वीडियोस में अगर आप चाहेंगे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी प्रार्थना, दिन की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मैं आने वाले समय में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो सुबह की प्रार्थना का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका मैंने आपको बताया वो है सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके बाद अपने दिन भर के जो भी काम काज है उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है और फिर प्रार्थना को समाप्त करना है। तो ये जो तरीका है सुबह की प्रार्थना का आपको करना है। तो जो भी व्यक्ति सुबह की प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, अब से आप जैसे ही सो के उठें सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने आपको जीवित रखा, आपके परिवार को जीवित रखा, और उसके बाद पूरे दिन जो भी काम काज आप करना है उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रभु से प्रार्थना करें। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आप धीरे धीरे और भी अच्छे से सुबह की प्रार्थना करना सीख जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है सुबह की प्रार्थना के विषय में वो आप समझ पाए हैं, और अगर आपको समझ में आया है ये वीडियो के माध्यम से तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने सच में समझा है तो ही शेयर करिएगा, अगर नहीं समझा है फिर आप दूसरों को शेयर करेंगे उससे कोई फायदा नहीं, पहले खुद समझिए। अगर आपने समझ लिया है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे ताकि और भी लोग सुबह की प्रार्थना करना सीखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यीशु में बने रहें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।